तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सीड वायबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है सीड वायबिलिटी। वायबल होने का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वायबल? जैसे आप बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं, कुछ भी खाने वाली चीज खरीदते हैं, तो उसके एक लाइफ होती है। जैसे आप कोई बाजार से कोई सॉस, कोई मेयोनीज, कुछ भी ऐसी चीज खरीदते हो, उसकी एक वायबिलिटी पीरियड होता है। उस पर लिखा होता है कि ये 2 साल बाद, जैसे आप कहते हैं कि ये एक्सपायर हो जाएगी ये चीज, या मेडिसिन है वो एक्सपायर हो जाएगी। इसका मतलब जो पीरियड आपको मेंशन करके दिया गया है, 1 साल का, 2 साल का, उस पीरियड में वो चीज क्या है, इट इज वायबल। वायबल का मतलब इट इज एक्टिव, ये इतने टाइम के लिए एक्टिव है, उसके बाद ये अपने जो भी नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर सकती है। तो इसे हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी। ठीक है, तो सीड के केस में वायबिलिटी क्या है, जब तक कि कोई सीड एक्टिव है। कल मैंने आपको बताया था सीड डॉर्मेंसी के बारे में। डॉर्मेंट क्या होता है? किसी भी चीज का सुस्त पड़ा हुआ होना। सुस्त मतलब उसने अपना जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि उसने अपनी बॉडी के अंदर नए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने का प्रोसेस और बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, डॉर्मेंट। तो सीड भी जब बनता है तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है। डॉर्मेंसी पीरियड हर एक का अलग अलग होता है। कुछ एक सीड का कुछ 1000 ईयर्स भी हो सकता है कि 1000 सालों तक वो सीड पड़े रहेंगे लेकिन ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल है ल्यूपाइन। ल्यूपाइन जो प्लांट है उसका जो सीड है वो बहुत ही पुराना है, कई हजारों सालों पुराना हमारे पास पड़ा है। अब जाकर वो क्या हुआ है, इट हैज बिकम वायबल, मतलब अगर इसको हम सॉइल में लगाएंगे तो ये ग्रो कर एक प्लांट, लुपाइन प्लांट जो है बना देगा। ठीक है, हमारे पास 1000 साल पुराने भी कई सीड्स ऐसे पड़े हैं डेट पाम के, जिन्हें कि हम अब ग्रो कर सकते हैं। वो हजारों सालों से पड़े हैं लेकिन वो खत्म नहीं हुए, उनकी वायबिलिटी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी लिविंग है। अभी भी इस सीड को आप ग्रो करेंगे तो एक नया प्लांट जो है हम उसमें से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, सीड जो है वो कैसे बनता है और फ्रूट किससे बनता है। ठीक है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉर्मल सभी प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या चीज चलती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओवरी है वो किसमें बदल जाती है, फ्रूट में। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल किसमें बदल जाता है, इनटू अ सीड। ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो किसमें बदल जाते हैं, इनटू सीड कोट्स। ठीक है, ओव्यूल के अंदर हमने देखा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किसमें बदल जाता है, एम्ब्रियो, और इसके अंदर एंडोस्पर्म। ये सब चेंजेस जो है आ जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जो ओवरी है जो फ्रूट में बदली है, ये अपने अंदर इसमें क्या क्या अलग से चेंजेस लाती है ये हम देखते हैं। ओवरी जो है जब मैच्योर हो जाती है, अपने अंदर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद मैच्योर हो जाती है और अपने अंदर बहुत सारा फूड जो है वो
एक्यूमुलेट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है बहुत सारा फूड। अब ये जो ओवरी है ये बहुत सारे फूड के साथ अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लेती है इनटू टू लेयर्स। पहली लेयर होती है पेरिकार्प, और पेरिकार्प के अंदर प्रेजेंट होता है सीड। पेरिकार्प बेसिकली क्या है, पेरिकार्प है कवरिंग, और कवरिंग के अंदर क्या है, सीड। ठीक है, पेरिकार्प जो है बेसिकली इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल। ओवरी की जो वॉल है ये सारी, इसके अंदर फूड इकट्ठा हो गया और ये कई सारी लेयर्स की पेरिकार्प जो है वो तैयार हो जाती है। ये सारी इसकी वॉल जो है, दिस इज पेरिकार्प। अब जो ये पेरिकार्प तैयार हुई है तो ये पेरिकार्प फिर आगे फर्दर अपने आप को तीन लेयर्स में फिर से डिवाइड कर लेती है। ओवरी की वॉल में फूड इकट्ठा हुआ, फूड इकट्ठा होने के बाद अब वो ओवरी की वॉल नहीं कहलाएगी क्योंकि उसके अंदर सीड है और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब ये ओवरी की वॉल ना कहलाकर इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब सीड की कवरिंग। ये पेरिकार्प अब धीरे धीरे अपने आप को तीन लेयर में डिवाइड कर लेती है। कौन कौन सी तीन लेयर है, एपिकार्प। कहीं भी आपको आएगा वर्ड एपी, एपी मीन्स अबव, ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या होगी, एपिकार्प। पेरिकार्प में जो सबसे ऊपर वाली, एपी मीन्स ऊपर, तो एपिकार्प। मीजो, मीजो मतलब मिडल, तो दिस इज मीजोकार्प, मतलब सेंट्रल वाली लेयर। और एक सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज एंडोकार्प। एंडो का मीन क्या होता है, द इनर वन, सबसे अंदर वाली इनर। तो पेरिकार्प की जो लेयर सबसे बाहर है दैट इज एपिकार्प, जो मिडल में है दैट इज मीजोकार्प, और जो अंदर है दैट इज एंडोकार्प। अब इन तीनों का देखते हैं हम क्या क्या फंक्शन होता है। एपिकार्प, एपिकार्प जो है वो आउटर स्किन होती है। आप कोई भी फ्रूट है जिसको आप छिलते हैं, उसका जो छिलका आप निकालते हैं वो छिलका बेसिकली उसका क्या है, एपिकार्प। फॉर एग्जाम्पल, इस सीजन में चल रहा है सबसे ज्यादा जो फ्रूट, दैट इज मैंगो। अब हम मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो का जो येलो वाला पार्ट, जो आउटर स्किन है, जो छिलका है, जो आप बाहर निकालते हैं, जिसको आप नहीं खाते हैं, वो क्या है, मैंगो की एपिकार्प। ठीक है, अगर हम मैंगो को ही लेके चले तो मैंगो का जो छिलका उतारते हैं, दैट लेयर ऑफ पेरिकार्प इज एपिकार्प। दूसरी लेयर है मीजोकार्प। चलो फिर से मैंगो का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो मैंगो का जो येलो पल्प, जो अंदर से आप पल्प जो है बेसिकली जो चीज खाते हैं मैंगो की, वो उसकी पेरिकार्प की कौन सी लेयर है, मिडल वाली लेयर, उसे हम क्या बोलेंगे, मीजोकार्प। ठीक है, और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्प। तो जो मैंगो के बीच में जो गुठली निकलती है, जो सीड कोट के साथ सीड निकलता है, दैट इज एंडोकार्प। अब मैंगो की जो आप गुठली है, ठीक है, वो जो गुठली है दैट इज नॉट द सीड। जो आपको मैंगो खाकर, उसका पल्प खाकर जो बीच में से जो पार्ट निकलता है व्हाइट वाला, दैट इज नॉट अ सीड। वो बाहर वाली एक मोटी सी लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। इस एंडोकार्प को जब आप खोलोगे तो इसके अंदर ग्रे ब्राउन सा, इस तरह से आपको मैंगो का सीड जो है इसके अंदर पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये है मैंगो का सीड। जो ऊपर आपने येलो वाला पार्ट जो है, इसके ऊपर वाला जो आपने सारा कंज्यूम किया, ये पल्पी पार्ट, ये क्या है, इट इज मीजोकार्प। ठीक है, और इसके ऊपर जो येलो एक कवरिंग है जिसे आप छिलका कहते हैं, उसका, दैट इज एपिकार्प। तो ये तीन लेयर्स हर एक फ्रूट की होती है। एप्पल ले लो, गुआवा ले लो, सबके अंदर ये चीजें होती हैं। डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ सीड्स का, और कितना पल्प है, यानी कि मीजोकार्प कितना थिक है या नहीं है, उसके हिसाब से ये तीनों लेयर्स डिफर करती हैं हर एक फ्रूट के अंदर।
अब एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प ये किस तरह की हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, अलग अलग हैं, जुड़ी हुई हैं, इसके हिसाब से भी हम फ्रूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी हमें फ्रूट्स मिलते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स और एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया मैंगो, एप्पल, गुआवा, ये सब क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जैसे आप खाते हैं आलमंड्स, बादाम, वॉलनट, अखरोट, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स। अब इनमें क्या फर्क होता है, फ्रेशी जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं इनके अंदर एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प ये तीनों लेयर्स हमें अलग से डिफ्रेंशिएट होती हैं। हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मैंगो के बारे में बात की है, मैंगो की एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों को हम डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में ऐसा नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स में जो पेरिकार्प है, यानी कि पेरिकार्प हमने किसको लिया है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों लेयर्स को मिलाकर, ये कैसी हो सकती है, ये ड्राई भी हो सकती है, इट कैन बी पेपरी, पेपर जैसी एकदम हो सकती है, पतली ट्रांसपेरेंट सी भी हो सकती है और वुड जैसी भी हो सकती है। तो इट कैन बी ड्राई, पेपरी और वुडी ऑल्सो, ठीक है। तो पेरिकार्प जो है ड्राई फ्रूट्स में कैसी है, आपस में जुड़ी हुई, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और फ्लैशी में कैसी है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रही है। ड्राई फ्रूट्स की एग्जांपल एक सबसे अच्छी है ग्राउंड नट, दैट इज मूंगफली, ठीक है, और मस्टर्ड। जस्ट अ मिनट।